Hey everyone, welcome back to our channel Tri-City Property Guru. तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ the project Altura Apartment जो located रहेगा अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पे, जिसमें आपको मिलने वाली है बहुत सारी facilities and amenities जो कि first day से सारी operational रहने वाली हैं। तो यहाँ पे आज मैं आपको checkout कराऊंगी दो apartment, दोनों actual apartment, जिसमें से एक apartment रहेगा completely park facing and second रहेगा both way facing, मतलब हाईवे को भी face करेगा and park को भी face करेगा। But उससे पहले आप enjoy कीजिए प्रोजेक्ट की एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज के कुछ क्लिप्स। पहले चेकआउट करने वाले हैं, ये आपका टोटली पार्क फेसिंग रहेगा। एंट्री में आपका डोर आ जाएगा जो आपको विद डिजिटल लॉक मिलने वाला है, सिक्योरिटी के पर्पज से काफ़ी अच्छी चीज़ आपको मिल रही है। एंड देन जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका ड्राइंग एरिया। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस है। अगर आप यहाँ पे 8 to 10 सीटर ऐड करना चाहें सोफ़ा अपना, इजीली आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको एसी की डक्टिंग भी प्रोवाइड की जाएगी एंड एसी के साथ कनेक्टेड आपकी बालकनी भी रहेगी गाइस, जहाँ से ना आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मिलने वाला है टोटल पार्क का, स्विमिंग पूल का। आइए आपको दिखाती हूँ। सो गाइज ये रहेगी बालकनी अटैच आपके ड्राइंग एरिया के साथ, आपके मास्टर बेडरूम के साथ, आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ। एंड गाइज इतनी लंबी बालकनी है ना, आप इसमें वॉक कर सकते हैं टोटली, वहाँ से आपकी बालकनी शुरू हो जाती है। एंड आइए इस तरफ भी आपको स्पेस मिल जाता है, तो इतनी बड़ी बालकनी आप वॉक कर सकते हैं इसमें। एंड द प्लस पॉइंट यहाँ से जो आपको व्यू मिलने वाला है ना गाइज, ट्रस्ट मी ये आपका द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल एरिया रहने वाला है आपके घर का, जहाँ पे आप बहुत सारी रील्स बनाने वाले हैं, फोटोज खींचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर व्यू मिलने वाला है। आप एक बार नीचे व्यू देखिए, स्विमिंग पूल आपका यहाँ से विजिबल है, आपका टोटल पार्क आप यहाँ से देख सकते हैं, आपका इवन मेन गेट भी यहाँ से विजिबल रहने वाला है, तो काफ़ी अच्छा व्यू आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एंड दूसरी बात अगर मैं करूँ तो स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है आपको बालकनी में, काफ़ी वाइड बालकनी है, तो अगर आप अपनी सिटिंग के लिए अरेंजमेंट करना चाहते हैं, झूला वगैरह लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप यहाँ पे इजीली सेट कर सकते हैं अपना जितना भी सिटिंग का होगा, शाम को बैठ के अपना चाय कॉफ़ी यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। सो ये थी हमारी बालकनी, आइए चलते हैं अंदर। सो आफ्टर द ड्राइंग एरिया यहाँ पे रहेगा हमारा डाइनिंग एरिया, बिल्कुल आपके किचन के सामने। स्पेस देख लीजिए काफ़ी अच्छा स्पेस है, लाइक सेपरेट स्पेस मिल रहे हैं आपको दोनों। ड्राइंग एरिया आपका वहाँ पे रहेगा, देन आपका डाइनिंग एरिया आप यहाँ पे अपना सेट कर सकते हैं बहुत इजीली, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है आपको यहाँ पे। देन यहाँ पे रहेगा इसी के साथ एडजॉइंट हमारा किचन। आइए सो किचन आप देख सकते हैं, ड्राई एंड वेट बोथ सेक्शन आपके अलग रहेंगे। यहाँ पे आपका कंप्लीट वेट सेक्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपके ड्यूल सिंक प्रोवाइडेड हैं, कैबिनेट्स आ जाएंगे आपके डिफरेंट। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका पूरा ड्राई सेक्शन, जहाँ पे आप अपना कुकिंग वगैरह कर सकते हैं, अपना हॉब प्लेस कर सकते हैं, चिमनी प्लेस कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो आपको कैबिनेट्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे साइज के साथ मिल रहे हैं। स्पेस देख लीजिए एक बार कैबिनेट्स का। देन लोअर कैबिनेट्स की बात करूं तो वो आपको सॉफ्ट क्लोजर के साथ मिल रहे हैं। एंड गाइस इनका साइज भी काफ़ी बड़ा है, आप सारा सामान अपना इजीली यहां पे स्टोर कर सकते हैं। एंड देन एसी के साथ कनेक्टेड बालकनी भी आ जाएगी बाहर आपके किचन के साथ।
सो ये रहेगी कुछ आपकी बालकनी, किचन के साथ टैप भी प्रोवाइडेड है तो वॉशिंग वगैरह का एक्टिविटी भी यहाँ पे कर सकते हो। रेलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोवाइडेड है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, हाइट भी काफ़ी अच्छी है रेलिंग की। एंड जो आपका फ्लोरिंग रहने वाला है ना यहाँ पे पूरा, ये आपका पूरा एंटीस्किड रहने वाला है। एंड यहाँ पे भी आपका जो डोर रहेगा इसमें आपका पूरा टफन ग्लास का यूज़ किया गया है। सो ये था हमारा किचन, अब चलेंगे रूम्स की तरफ। तो एंट्री करते सबसे पहले यहाँ पे रहेगा आपका फर्स्ट बेडरूम विद अटैच वॉशरूम रहेगा। साइज देख लीजिए, काफ़ी अच्छे साइज है पूरा आपका बेडरूम का। इसके साथ जो बालकनी अटैच रहेगी वो आपकी फ्रंट की बालकनी रहेगी जो मैंने आपको ड्राइंग एरिया से दिखाई थी। कवर्स देख लेते हैं हम। वाओ, काफी अच्छा साइज मिल रहा है कबर्ड्स का। आप देख सकते हैं ऊपर भी स्पेस है, अंदर तो है ही, अंदर आपके कैबिनेट्स भी आ जाएंगे डिफरेंट, नीचे भी स्पेस है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे नीचे भी आपको स्पेस मिल जाता है, तो काफी अच्छा लेआउट भी है, काफी अच्छा स्पेस भी है कबर्ड में। एंड यहाँ रहेगा वॉशरूम आपका अटैच, जिसमें सारी जो आपकी फिटिंग्स रहेंगी वो अमेरिकन स्टैंडर्ड की रहेंगी। फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन विंडो भी प्रोवाइडेड है, टैप्स आपके पूरे लगे हुए हैं, शावर सब कुछ इंस्टॉल आ जाएगा, गीजर का एंड एग्जॉस्ट का प्रोविजन आपको मिल जाएगा। एंड देन जितनी भी आपकी फ्लोरिंग है यहाँ पे वो सारी एंटीस्किड रहेगी, फुल वॉल लेंथ पे टाइलिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, अब चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम में। तो सेकेंड बेडरूम आपका यहाँ पे रहेगा बिल्कुल आपके डाइनिंग एरिया के साइड में। इसके साथ भी आपकी जो बालकनी अटैच है वो आपकी फ्रंट वाली बालकनी आ जाएगी, जैसे कि मैंने बताया आपको। कवर्स आप यहाँ पे भी देख लीजिए, सेम बहुत ज्यादा स्पेशियस है, अंदर भी कैबिनेट्स मिल जाएंगे, नीचे ऊपर दोनों जगह स्पेस मिल रही है आपको। गाइस रूम में इतना स्पेस है आपके लिए कि अपना बेड इंस्टॉल करने के बाद भी आपके पास मूव करने के लिए काफी ज्यादा स्पेस बचने वाला है। यहाँ पे ऊपर आपकी एसी की डक्टिंग आ जाएगी। एंड यहाँ पे रहेगा आपका वॉशरूम, जिसमें आपकी कंप्लीट, जैसे मैंने बताया था, अमेरिकन स्टैंडर्ड की फिटिंग रहने वाली है। फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन आपका विंडो आ जाएगा, फ्लोरिंग आपकी सारी एंटीस्किड रहने वाली है, एंड फुल वॉल लेंथ आपका टाइलिंग प्रोवाइडेड रहेगा। सो दिस वॉज आवर सेकेंड बेडरूम। इसी के बिल्कुल साथ में यहाँ पे आ जाएगा हमारा थर्ड बेडरूम विच इज योर मास्टर बेडरूम। तो इसका साइज बाकी दो रूम के मुकाबले थोड़ा बड़ा आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें, मतलब बेड लगाने के बाद एक सोफा एक काउच आप रूम में ऐड कर पाएंगे, इतना स्पेस आपको मिल रहा है। इसमें भी यहाँ पे रहेगी आपकी कबर्ड, इसमें गाइस कबर्ड आपको थोड़ा बड़ा मिल रहा है क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है, तो आप देख सकते हैं स्पेस ऊपर भी आ जाएगा आपका स्पेस, नीचे भी प्रोवाइडेड है, और यहाँ पे भी आपको दो कबर्ड्स मिल जाएंगे। सो बालकनी इसके साथ भी आपकी अटैच रहेगी जो आपकी फ्रंट की बालकनी थी। एंड हियर कम्स योर वॉशरूम, इसका वॉशरूम भी बाकी दो वॉशरूम्स के मुकाबले थोड़ा बड़ा आ जाएगा। वेंटिलेशन के लिए विंडो यहाँ पे प्रोवाइडेड रहेगा आपका, फ्लोरिंग सारी एंटीस्किड रहेगी, एंड वॉल लेंथ पे आप टाइलिंग देख सकते हैं, टैप्स वगैरह सारे आपके प्रोवाइडेड रहेंगे। सो गाइस ये था आपका अपार्टमेंट जो आपका पार्क फेसिंग अपार्टमेंट था टोटली। अब जो सेकेंड अपार्टमेंट मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है आपका बोथ साइड ओपन, जहाँ से आपको पार्क का व्यू भी मिलने वाला है एंड हाईवे का व्यू भी मिलेगा आपको, एंड बोथ साइड ओपन भी रहेगा, तो दोनों साइड आपको बैल्कनीज भी प्रोवाइड की जाएंगी, एंड क्रॉस वेंटिलेशन के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। मतलब टोटली अगर मैं बात करूँ तो 7-sided ओपन अपार्टमेंट रहने वाला है। अगर आप अपना मेन डोर बंद भी कर देते हैं तो भी आपको वेंटिलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जगह रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस रहने वाले हैं। तो आइए चलते हैं सेकेंड अपार्टमेंट में। सो गाइस ये आ जाएगा हमारा सेकेंड अपार्टमेंट, अगेन इन द साइज ऑफ 1710 स्क्वायर फीट। दोनों अपार्टमेंट सेम साइज के हैं, बस लेआउट में फर्क आ जाएगा, एंड एक आपका बोथ साइड ओपन है एंड एक अपार्टमेंट आपका कंप्लीटली पार्क फेसिंग था। तो ये आपका बोथ साइड ओपन रहेगा, जहाँ पे आपका ये मेन डोर रहेगा वो डिजिटल लॉक आपको मिलने वाला है। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपका फॉयर एरिया आ जाता है, एंड ये रहेगा आपका गेस्ट बेडरूम। देन जैसे ही हम आगे आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ड्राइंग एरिया, आप देख सकते हैं
काफ़ी स्पेशियस ड्राइंग एरिया है। अगर मैं बात करूँ सिटिंग की तो 8 to 10 सीटर सोफा आप इजीली यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं एंड सामने वाली वॉल पे अपना LED भी प्लेस कर सकते हैं इजीली। मतलब अगर आप सोफा वगैरह सेट भी करेंगे उस पर भी मूव करने के लिए आपके पास काफ़ी स्पेस बच जाती है। एंड गाइस इसी के साथ भी आपको एक रनिंग बालकनी मिल रही है जहाँ से आपको कंप्लीट हाईवे का व्यू मिलने वाला है। तो आइए सो गाइस इसमें भी आपको जो डोर मिल रहा है इसमें आपका टफन ग्लास यूज़ किया गया है, टोटली साउंड प्रूफ रहेगा। बात करूँ अब बालकनी की तो आप देखिए वहाँ से शुरू होती है आपकी बालकनी, देन फॉलोइंग टू दिस साइड ये कनेक्ट करती है आपके थर्ड बेडरूम को। आपका जो मास्टर बेडरूम रहने वाला है ना गाइस वो आपका बोथ साइड बालकनी उसमें आपको प्रोवाइड की जाएगी। फ्रंट साइड से भी जो आपका पार्क फेसिंग है वो बालकनी भी आपको मिलेगी एंड बैक से तो आप ये व्यू देख सकते हैं। आप सामने देखिए पूरा हाईवे आपको यहाँ से दिख जाएगा जो आपका अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे है। बालकनी की अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी वाइड बालकनी आपकी रहेगी ये, जिसमें सिटिंग के लिए आप काफ़ी अच्छे स्पेसेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, झूला लगा सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी बालकनी तो आपको प्लांट्स रखने में भी काफ़ी मज़ा यहाँ पे आने वाला है। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग कि आप ना इस अपार्टमेंट से अपना सनराइज एंड सनसेट दोनों इंजॉय कर सकते हैं। फ्रंट वाली बालकनी से आपका सनराइज एंड देन इस बालकनी से आपका सनसेट जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है, काफ़ी क्लियर स्काई व्यू आपको यहाँ से मिलने वाला है। सो ये तो थी बालकनी की बात, आइए चलते हैं अंदर बाकी का घर चेकआउट करते हैं। सो ड्राइंग एरिया के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका डाइनिंग एरिया, जिसमें गाइस यहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल एडजस्ट करेंगे तो यहाँ से आप देखिए काफी ब्यूटीफुल व्यू रहने वाला है आपके पार्क का। एंड वेंटिलेशन के लिए आपका विंडो भी यहाँ पे है तो अगर यहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल इंस्टॉल करते हैं तो आप खाना खाते वक्त बाहर का व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं एंड जो नेचुरल लाइट है वो भी आपको यहाँ पे एंटर करती रहेगी। जैसे कि मैंने कहा था कि ये वाला अपार्टमेंट आपका बोथ साइड ओपन है, अब मेन डोर अगर आप बंद भी रखते हैं तो आपको वहाँ से भी लाइटिंग आ रहा है, यहाँ से भी लाइटिंग आ रहा है, तो आपके ड्रॉइंग एंड डाइनिंग में लाइटिंग एंड वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब चलते हैं किचन की तरफ, किचन दिखा देती हूँ। सो ये रहेगा हमारा किचन, दोनों सेक्शंस आपके अलग रहेंगे, आपका ड्राई सेक्शन एंड वेट सेक्शन जहाँ पे आपका ड्रिल सिंक आ जाएगा, डिफरेंट कैबिनेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपने यूटेंसिल्स वगैरह यहाँ पे वॉश कर सकते हैं, यहाँ पे उनको रख सकते हैं। नीचे भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्पेसेस मिल रहे हैं। देन कमिंग टू दिस साइड यहाँ पे रहेगा आपका कुकिंग काउंटर, यहाँ पे रहेगा आपकी गैस पाइपलाइन के लिए स्पेस, चिमनी यहाँ पे लगा सकते हैं, हॉब यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, डिफरेंट कैबिनेट्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। लो कैबिनेट्स की बात करूँगी विद सॉफ्ट क्लोजर रहेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एंड इसमें भी आपको काफ़ी सारे साइजेस मिल जाएंगे। सो अब हम चलेंगे बालकनी में, जो आपकी पार्क फेसिंग बालकनी है आपकी किचन के साथ कनेक्टेड है। सो गाइज ये है बालकनी जो आपकी फ्रंट बालकनी रहेगी इस घर की, जहाँ से आप नीचे स्विमिंग पूल देख सकते हैं, पार्क देख सकते हैं, कंप्लीट व्यू आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आपके टैप्स वगैरह भी प्रोवाइडेड हैं तो इनकेस अगर वॉशिंग वगैरह की एक्टिविटी आप करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। रेलिंग की बात करूँगी तो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेलिंग यहाँ पे प्रोवाइडेड है एंड इसका जो हाइट है वो भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। सो गाइज ये थी हमारी किचन, अब चलेंगे रूम्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट बेडरूम चेकआउट कराती हूँ जो हमने एंट्री में ही चेकआउट किया था। सो ये है आपके घर की मेन एंट्री एंड यहाँ पे रहेगा आपका फर्स्ट बेडरूम। इसके साथ भी आपकी जो बालकनी है वो आपकी बैक वाली जो रनिंग बालकनी है वही अटैच रहेगी जहाँ से आपको कंप्लीट हाईवे का व्यू मिलने वाला है। पूरे रूम की बात करूँ काफ़ी अच्छा स्पेस है रूम में, अपना बेड इंस्टॉल करने के बाद भी आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं रूम में, मूविंग के लिए आपको काफ़ी अच्छा स्पेस बच जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे आपके कबर्ड्स, आप देख लीजिए काफ़ी अच्छा स्पेस है, लेआउट भी काफ़ी अच्छा आ जाएगा। एंड गाइस यहाँ पे ना आप देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कैबिनेट्स भी बने हुए हैं, देन साइड में आपका डिफरेंट स्टोरेज स्पेस आ जाएगा, मतलब लेआउट काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया है कबर्ड्स का। ऊपर भी स्पेस है, देन नीचे भी आपका स्पेस आ जाएगा, फुटवेयर्स वगैरह आप अपने नीचे रख सकते हो। एंड इसी के साथ यहाँ पे आपका वॉशरूम भी अटैच रहेगा, सो आप देख लीजिए साइज वॉशरूम का, फ्लोरिंग आपकी सारी एंटीसेट रहेगी, वॉल लेंथ पे आप टाइलिंग देख सकते हैं,
टैप्स वगैरह, आपका शावर जो है वो पूरा इंस्टॉल रहेगा। यहाँ पे भी जो फिटिंग रहेगी आपकी वो अमेरिकन स्टैंडर्ड की रहेगी। एंड फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन आपका विंडो भी प्रोवाइडेड। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम में जो रहेगा इस साइड। सो ये है आपका सेकंड बेडरूम। सेम बालकनी के साथ भी कनेक्टेड रहेगी क्योंकि मैंने बताया था रनिंग बालकनी है। साइज देख लीजिए, काफी अच्छा स्पेस है। इस साइड आपके कवर्ड आ जाएंगे, काफी बड़ा कवर्ड है गाइस। ईजिली सारे, मतलब जितने भी भारी कपड़े हैं, कैजुअल वेयर्स हैं, सारे आ जाएंगे ईजिली यहाँ पे आपके। ऊपर भी स्पेस है, नीचे भी स्पेस मिल जाएगा आपको। देन यहाँ पे आ जाएगा वॉशरूम, काफी अच्छा स्पेस है। वहाँ पे आपकी सीट आ जाएगी, योर बेसिन, टैप्स, आपके टाइलिंग देख सकते हैं आप वॉल लेंथ पे, शावर आपका प्रोवाइडेड है। यहाँ पे गीजर के लिए स्पेस आ जाएगा, विंडो रहेगी फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन। तो ये था हमारा सेकंड बेडरूम। अब चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में, जिसमें आपको दो बालकनीज मिलने वाली हैं। एक आपकी यहाँ पे रहेगी एंड एक आपकी यहाँ पे रहेगी। स्पेस देख लीजिए इसका भी आप, काफी स्पेशियस रूम है। ये आपका मास्टर बेडरूम है तो इसमें आपको काफी ज्यादा स्पेस मिल जाता है, मतलब बाकी रूम के मुकाबले ये थोड़ा बड़ा मिल रहा है आपको। वॉशरूम इसके साथ भी अटैच रहेगा आपका, वॉशरूम भी काफी बड़ा मिल रहा है इसके साथ आपको। टाइलिंग देखूंगी तो डिजाइन एंड कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है टाइल्स का। वॉल लेंथ पे आप देख सकते हैं टैब्स आपके, शार, सीट, बेसिन सारा प्रोवाइडेड रहेगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड की फिटिंग्स रहने वाली है अगेन यहाँ पे भी। एंड देन यहाँ पे आपका फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन विंडो प्रोवाइडेड रहेगा। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका एग्जॉस्ट स्पेस। एंड देन इस साइड आ जाएंगे कबर्ड्स विद दिस ब्यूटीफुल लेआउट। ऊपर भी स्पेस है, नीचे भी स्पेस मिल जाएगा आपको। एंड यहाँ आ जाएगी देन आपकी सेकेंड बालकनी ऑफ दिस रूम। काफी अच्छा स्पेस है बालकनी में। यहाँ से आप पूरा नीचे स्विमिंग पूल देख सकते हैं, पार्क देख सकते हैं, क्लब हाउस आपका विजिबल है यहाँ से। मतलब काफी अच्छा व्यू आपका यहाँ पर रहने वाला है। स्पेस की बात करूंगी तो काफी वाइड बालकनी है आपकी। सिटिंग के लिए अगर स्पेस अरेंज करना चाहें, सेट करना चाहें तो काफी अच्छा कर सकते हैं। झूला वगैरह भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा थर्ड बेडरूम। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, जिसमें मैंने आपको दो अपार्टमेंट्स दिखाए हैं। एक आपका टोटली पार्क फेसिंग एंड एक रहेगा आपका बोथ साइड ओपन अपार्टमेंट, जिसमें आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी देखने को, आपका सनराइज भी एंड योर सनसेट भी। तो काफी अच्छा व्यू है दोनों की बालकनी से। सेम साइज रहेगा, बस लेआउट में आपका थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, दो हाईवेज के साथ कनेक्टेड रहेगा, आपके TR7 के साथ भी और आपके अंबाला चंडीगढ़ हाईवे के साथ भी। मतलब अगर आपको मोहाली साइड भी जाना है तो आपको पटियाला चौक के ट्रैफिक में फंसने की कोई जरूरत नहीं। आप TR7 से डायरेक्ट हेड कर सकते हैं मोहाली की तरफ, या फिर आपको हिमाचल जाना है कहीं के लिए भी, हरियाणा जाना है, दिल्ली साइड जाना है, इजीली एक्सेस कर सकते हैं जहां के लिए भी आपको जाना है। नियर बाय में काफी सारे प्लेसेस आ जाएंगे, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, एंटरटेनमेंट जोन हो, सारा चीजें आपको नियर बाय में मिल जाएंगी। सो गाइज, आपको ये अपार्टमेंट कैसा लगा, ये दोनों ऑप्शन आपको कैसे लगी, आप इसमें से कौन से ऑप्शन चूज करेंगे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप और डिटेल्स लेना चाहते हैं, इसको फिजिकली विजिट करना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी सेल्स टीम आपको असिस्ट करेगी, आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करेगी। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।